हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा एक्सचेंज। आपको स्क्रीन पे तो बहुत मजेदार चीज दिखती होगी कि यार रिटर्न्स इतने ज्यादा है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, तो ये वीडियो को तो एंड तक देखना। क्या आपने कभी सुना है कि ट्रेडिंग व्यू से हम अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोमेट कर सकते हैं? मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको समझेगा कि आप आपकी स्ट्रेटेजी कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का नाम तो सभी ने सुना है, बट स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करना बहुत जनों को नहीं आता, करेक्ट? तो आज मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट टू लेके एंड तक हम कैसे ऑटोमेट कर सकते। एक सिंपल अलर्ट से आपके एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है और डेल्टा एक्सचेंज पे अपने आप आपका जो ट्रेड रहता है वो इनिशिएट हो जाता है। तो लेट्स गो ऑन टू आवर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेटेजीज पे जाता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर टैब में जब मैं स्ट्रेटेजीज में MACD सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्ट्रेटेजी आ जाती है। मैं इसको बस क्लिक कर दू, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी कैंसिल करते, एक को रहने देते, तो इसको मैं थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ। तो आपको दिख सकता है कि इसने प्रॉफिट जनरेट किया है ऑलमोस्ट 21,833 US डॉलर्स का। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिटेबल है। अगर ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है तो हम इसको कैसे चार्ट्स में अप्लाई करें, करेक्ट? ये तो सबके दिमाग में रहता है। तो लेट मी टेक यू टू द अमेजिंग थिंग। यहाँ पे आपको बस एक अलर्ट लगाना है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया, ठीक है। जैसे ही, और एक याद रखना, एड अलर्ट और MACD स्ट्रेटेजी करना है, यहाँ पे दो होते हैं। जैसे ही आपने एड अलर्ट ऑन MACD स्ट्रेटेजी कर दिया, यहाँ पे अलर्ट्स पे आपको दिख रहे होंगे, पहले मैंने एक लगाया था, अभी एक है, तो ये रीसेंट है, ठीक है। मैं आपको बेसिक से लेके एंड तक सब बताऊंगा कि आपको क्या क्या डालना है, बट आपको इस वीडियो पे एंड तक बने रहना है। लाइक जरूर करना इस वीडियो को, कमेंट करना अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो, और शेयर तो बहुत जनों के साथ करना, बिकॉज बहुत जन को ये नहीं पता होता कि इसमें ऑटोमेशन कैसे डालना है, करेक्ट? तो सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैसेज, और सेकंड नोटिफिकेशन में ये वेबहुक URL जो डिसेबल रहेगा इसको एनेबल करना है, ठीक है। तो इस पार्ट पे अपन को वेबहुक URL डालना है, वो कैसे डालना है? तो सबसे पहले आपको जाना है नेक्स्ट लेवल बॉट पे। यहाँ पे आपको आपका क्रेडेंशियल से लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही आप डैशबोर्ड पे रहोगे। डैशबोर्ड से आपको ये देखो सीक्वेंस वेबबुक जो है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। ये कॉपीड हो गया सक्सेसफुली, फिर से आप स्पेसिफिकली आपके ट्रेडिंग व्यू टैब पे जाना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, वेरी सिंपल है ना। इसके बाद इसको आपको सेव कर देना है, ठीक है। अब यहां तक अपना पॉइंट तो हो गया कि चलो वेबबुक URL तो आ गया, बट क्या इसके अंदर मैसेज, ये जो मैसेज है ये है अपना एक्चुअल स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आपके अलर्ट्स के साथ आपका स्पेसिफिक ट्रेड इनिशिएट होगा। तो अब इसको कैसे हमें डिसाइड करना है कि ये मैसेज कैसे आएगा? तो आप तो सबसे पहले आप डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे जाओगे, ठीक है। वहां पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे एंड देन API कीज पे जैसे क्लिक करोगे एक पेज लोड होगा इसके थ्रू आपको जनरेट करना है API की एंड सीक्रेट की, ठीक है। यहाँ पे आप ये स्पेसिफिकली API की पे आपने क्लिक किया, ये आ गए। इसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं देता हूँ सिफर 123, ठीक है। अब आपको चाहिए वाइट लिस्टेड IP, ठीक है। आपको ट्रेडिंग एकदम प्रॉपरली टिक करना है। वाइट लिस्टेड IP आपको कहाँ पे दिखेगी? तो ये एक ब्लॉग है, इसका हम आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये जो IP है, ठीक है, इस IP को आप कॉपी करोगे और फिर आप इस IP को यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप क्रिएट API की करना, क्योंकि API जरूरी है। ये गलत हो गया, मैं कोई ये कॉपी करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये Ctrl+C, ठीक है, एंड देन यहाँ पे Ctrl+V, अब हो जाएगा जनरेट, ठीक है। 773 अब हो जाएगा आपका API जनरेट। अब ये जो API कीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को नेक्स्ट लेवल बॉट पे यही डालना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट लेवल बॉट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एपीआई क्रेडेंशियल्स में आपको बस डेल्टा पे ऐड एपीआई क्लिक करना है। जैसे ही ऐड एपीआई करोगे आपका नाम डाल दो, चलो मैं सिफत 1 2 3 डालता हूँ, एंड एपीआई की और सीक्रेट की, ये दो इम्पोर्टेंट होती है जो हमने यहाँ पे जनरेट की डेल्टा के अकाउंट में, बिकॉज आपका ट्रेड्स डेल्टा पे जाना जरूरी है। करेक्ट, यहाँ पे अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद एपीआई सीक्रेट जो है उसको भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड देन सेव। इट्स क्वाइट सिंपल, है ना, सेव हो रहा है गाइस, क्योंकि ये ऑटोमेट कर रहा है, आपका बहुत टाइम बचा रहा है, तो थोड़ा टाइम के लिए यू शुड यू नो वेट। और ये जैसे ही सेव हो जाता है, सेव हो गया, उसके बाद टूल एंड हेल्प पे जाना, सिंटैक्स जनरेटर, बिकॉज ऑब्वियसली हमें वो मैसेज चाहिए। करेक्ट, उसके बाद डेल्टा का सिंटैक्स है तो डेल्टा पे जाना, ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी है तो टीवी स्ट्रैटेजी पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग सिंबल अपने कहाँ पे BTC USDT, क्वांटिटी मिनिमम 1 सिलेक्ट करना होता है एंड देन जनरेट डेल्टा कोड। इसके बाद इस कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, ठीक है, और इस जगह पे उस मैसेज को पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड देन सेव, दैट्स इट, ठीक है गाइस, इतना ही करना है। और इसके थ्रू आपका पूरा सेटअप ऑटोमेट हो जाएगा। जैसे ही ये पर्टिकुलर अलर्ट क्लिक होगा आपका ट्रेड आ जाएगा, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता हूं। Now you can turn your TradingView alerts into real trades on Lalita Exchange. Sounds exciting, right? Got a winning strategy on TradingView? Boom! Automated on Lalita Exchange. पूरा ये प्रोसेस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि इसके थ्रू आप आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करोगे। तो प्लीज लाइक करो ये वीडियो को, शेयर करना बहुत दोस्तों के साथ, बिकॉज आपके साथ आपके दोस्त ग्रो करेंगे तो और मजा आएगा। एंड प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वंस अगेन गाइज, आपको मैं कल मिलूंगा अगले वीडियो में। सी यू, थैंक यू।